गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे। होप आपको समझ आ गई है। तो आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। अब वो आपसे पूछे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में विद इन ब्रैकेट्स है, वो उसको सॉल्व आउट करना है। ही वॉज डैश टू बाजार। ही वॉज गो उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे इसको? ही वॉज गोइंग टू बाजार। शी वॉज डैश फास्ट। शी वॉज रनिंग फास्ट। यू वर डैश थीव। यू वर चेजिंग द थीव। हमने क्या किया था? वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। ओके, द बॉयज वर डैश इन द प्लेग्राउंड, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। द गर्ल्स वर डैश अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। हमने वर्ब के साथ क्या करना है? आईएनजी लगा के यूज़ करना है, उसको पास्ट कंटीन्यूअस की फॉर्म में यूज करना है। ओके, द डक्स वर डैश इन द वाटर, स्विमिंग इन द वाटर। द स्टूडेंट्स वर डैश रीडिंग देयर बुक्स। द स्टूडेंट्स वर रीडिंग देयर बुक्स। पीपल वर डैश एट हिज जॉग्स, लाफिंग एट हिज जॉग्स। यू वर डैश इन द पार्क। यू वर वॉकिंग इन द पार्क। ही वॉज डैश द विंडो। ही वॉज ओपनिंग द विंडो। अब हमने क्या किया, इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म की फॉर्म में कर दिया है। Now the next one is change the following sentences into negative. अब वो आपसे क्या पूछे हैं कि जो following sentences है उसको negative की form में तब्दील करें। Teacher ने आपको negative sentence के बारे में बताया था ना, you were brushing your teeth. अब verb के साथ क्या लगा देंगे? Not. You were not brushing your teeth. Next one is they were swimming in the pool. इसका negative क्या होगा? They were not swimming in the pool. Okay? He was watching the final match. He was not watching the final match. The PN was ringing the bell. The PN was not ringing the bell. We were sleeping in the room. We were not sleeping in the room. The girls were singing a song. The girls were not singing a song. She was sitting on a chair. She was not sitting on a chair. The boys were flying kites. The boys were not flying kites. अब आपको समझ आ गई है? कमिंग टू द नेक्स्ट, अब वो आपसे इस इधर क्या पूछे हैं? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू इंटरोगेटिव। अब टीचर ने आपको क्या बताया था? इंटरोगेटिव के बारे में बताया था ना। अब आपने इसको क्या करना है? इंटरोगेटिव के फॉर्म में खुद ही सॉल्व करना है। मैं आपको फर्स्ट बता दूंगी, नाउ यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। ही वॉज कम्प्लीटिंग हिज वर्क। तो क्या था? वॉज ही कम्प्लीटिंग हिज वर्क। हमने क्या करना है? वॉज और वर्क को स्टार्ट में लेके उसको क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में तब्दील कर देना है, ठीक है? टीचर ने आपको बताया था ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उसको क्या करते हैं? वॉज और वर्क को स्टार्ट में ले आते हैं और उसके एंड पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। दे वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब आपको समझ आ गई है इसमें क्या करना है हमने? वर दे स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, उसको आगे स्टार्ट में करके क्वेश्चन मार्क डाल देना। ओके, द रेस्ट ऑफ द यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई भी है कि नहीं। द काउ वॉज ग्रेजिंग। वॉज द काउ ग्रेजिंग, आपने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में और एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करना है। ओके, आई वॉज ड्रिंकिंग टी। वॉज आई ड्रिंकिंग टी, क्या करना है हमने? उसको क्वेश्चन की फॉर्म में तब्दील कर देना है। आपको समझ तो आ गई है, नाउ डू इट बाय योर सेल्फ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, we have to do the translate the following sentences into English. अब आपने क्या करना है? following sentences को English में convert कर देना है। तरखान एक मेज बना रहा था, लड़के दरिया में तैर रहे थे, तुम इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, वो ये नज़म याद नहीं कर रहे थे, क्या लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाले हैं। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे, क्या वो पूछ रहा था? क्या किसान खेतों में काम कर रहे थे? नीचे आपको उन्होंने कुछ हिंट्स भी दिए हैं। अब यू व्हाट यू हैव टू डू, अब टीचर ने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ और नीचे जो हिंट हैं उससे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, नेगेटिव टेंस एंड इंट्रोगेटिव टेंस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।